गाइस कैसे आप सभी लोग, आप सभी का लुलू दा इज बैक। और दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि हम वीडियो 2 वीक्स से अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि आपका लुलू दाई को ना बोले तो पूरा शैतान पूरा कब्जा करके रखा था, मतलब अपना बस में करके रखा था। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आप लोग का लुलू दाई स्ट्रॉन्ग है तो वो शैतान को मार गिराया और उसका पिंजरे से निकल के फिर से निकल पड़ा है वीडियो बनाने में। तो मैं आप लोग को आज ले चलूँगा हमारे फासीगत के एक मोनूमेंट स्टेचू वामी लेट अन्योक मोयोंग, जो अपसु यानी कि ऑल बोगोंग स्टूडेंट यूनियन का एक यूथ था जो अपना बदन को मतलब लोगों के बोगों मतलब अपसु लोगों के लिए और यूथ के लिए और फासीगत को लोगों के लिए अपने बदन को समर्पित किए। सो मैं आप लोग को ले चलूँगा वहाँ में और कहना पड़ता है कि मैं भी एक अपसु स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है तब। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के लिए जो अपसु स्टूडेंट और स्पेशली जो फासीगत में है। तो मैं आज आप लोग को ले चलूँगा, सुनने में आए हम लोग का MLA सर काली मोयोंग भी आएगा बोलता है और अपसु का प्रेसिडेंट और वो GS से भी आप लोग को इंट्रोडक्शन कराऊंगा और आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं। इनॉग्रेशन करते हुए
1977 to 25-6-1993. On this painful day, during a peaceful break called by all the Bengali Students' Union, late Manu Moyam was murdered. A bullet fired from APC personnel rifle snuffed out his life and left a deep hole in our heart. While his death was a tragic, he left behind a legacy of courage and dedication. As he goes down into the pages of history to be remembered in anniversaries and centenaries, those of us who love him and act with his passing, let us not forget the cause for his departure. He died for a noble cause. No purpose or aim can be higher or nobler than the aim of dying for one's own government. Late Onyong Moyam may not be among us anymore, but death cannot steal his name. Long live Onyong Moyam, long live ABSU, reinstated by all the student union, led by Sri Onidai President, Siang Moyam, General Secretary. Inaugurated by Sri Kaling Moyam, Honorable MLA, passing our 38th ST Assembly Constituency. In presence of Sri Oyong Moyam, former ABSU President, 1985-86, and Sri Basan Jamo, former General Secretary, ABSU 1985-86. Initiated by Kaku Moyong, President, ABSU 1998-1999. Founder of All Bogong Students Union, Sri Basan Jamo. Body very speech. बाद में आप लोग को डिटेल से हम समझाएगा आखिर हम लोग आज क्यों हमें इकट्ठा हुआ तो अभी करते हैं प्रश्न ये है श्री लेट Onyong Moyam उसका स्टेच्यू आप लोग हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग हमें उसके बारे में पढ़ सकते हैं Thank you.
हमें व्हाइट ड्रेस के साथ ब्लैक गले के साथ हम लोग मेरा आगे में है Thank you. Hi, Guru. Hi, Mr. Hi, Mr. Hi, Mr. Hi. आई आते गाँव दोस्तों, अभी मैं आप लोग को आप सबको जीएस और प्रेसिडेंट से मिलाता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सियांग मोयोंग, जनरल सेक्रेटरी ऑल बोंग स्टूडेंट यूनियन। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं जो कि हमारा जो मार्टियर ओयोंग मोयोंग, जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बिल्डिंग है जो कि आज 25th एनिवर्सरी ओयोंग मोयोंग, तो हम आज यहाँ पर 25th एनिवर्सरी को मनाते हैं और साथ में इस बिल्डिंग को इनोग्रेशन किया हमारे श्री कालिंग मोयोंग ने, MLA 38 ईस्ट SP। ये श्री लेट ओयोंग मोयोंग, इसका हरे हम लोग ये मनाएगा क्या, मतलब देर एनिवर्सरी को मनाते आ रहे क्या? मतलब देखिए, ये एक्चुअली मार्टियर्स जो है हम बोंग स्टूडेंट, ये जो 25 जून को हम हमेशा मनाते हैं, एवरी ईयर ये मार्टियर्स ओयोंग मोयोंग के लिए एवरी ईयर हम लोग मनाते हैं। और ये बिल्डिंग तो नया से बने, ये आइडिया कैसे मिला आप लोग को? मतलब एक्चुअली देखिए, ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री ओनिदाई और हम दोनों ने मिलके इस चीज़ को लेके, ताकि हम आप भी पहले देखते थे यहाँ पर जो मैंने स्टेचू बनाया हुआ है, फिर भी धूप हो बारिश हो हमेशा वही रहता है, तो फिर उसका स्टेचू का कलर भी चेंज हो गया, तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक स्कीम बनाया जाए MLA को बोलते हुए और साथ में जो अभी PMC है, और साथ में ये जो फिलहाल ये जो जहाँ पर स्टेचू है, ये जो श्री हमारे काउंसलर वोइन गांव के काउंसलर में हैं, तो हम लोगों ने MLA को और PMC को और श्री वोइन गांव को अप्रोच किया कि आप सर काइंडली इस बारे में सोच दीजिएगा, कि क्योंकि ये हमारा एक बॉम स्टूडेंट का फ्लाइट है जो मार्टियर जो जंगमयंग, तो हम लोगों ने इस बार इसलिए ये इनिशिएट करते हुए हमारे जो इसे बनाने वाले जो इनिशिएट करने वाले वो जो है बालिंग यमपांग साबोम यमसो नाइन पानोर और कारिक डाई, उन लोगों ने इसे अच्छी तरह से बनाया है और आप भी देख सकते हैं इतना सुंदर बनाया है, तो मैं उन चारों को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वो ओनिदाई प्रेसिडेंट ऑल बोंग स्टूडेंट यूनियन का इलोम और हॉलो गैदरिंग इनम है मुलुक की लेट ओयोंग मोयोंग मुलुक मार्टियर के इलो मोल ओपनिंग का मिटो को मोल हिम रिकंस्ट्रक्ट लंगुला आई तो मोलंगु निपाले इलो ओपनिंग का मिटो इतो मुलुक ऑनरेबल MLA बिलिंग के इलो मुलुक मुलुक चीफ जेक पा बिलगु ओपनिंग मिटो लेट ओयोंग मोयोंग गु मुलुक पीसफुल बेन कॉल को लोग बोंगु में बेन कॉल को इतु जमे तुम सिलेक्टन एपीपी पर एक अपर तो अपना एकदम लुमाए अमनंग केनुमाए दम लुकमाए दल तुम आपको लंगोल तर आपको साइड तक मोलुक के कंस्ट्रक्शन को काटू अंचो ना बुन बारियल ग्राम को मोल कल को दे पल अब हिलो का 28 है का डेट एनिवर्सरी है दम हिलो मोल हिलो डेट एनिवर्सरी लो रूम बुक का ओपनिंग हमको मिली तो कॉलोक कर हिलो 28 ईयर्स कोई का है कहते नाम है न्योंग नाम है हम लोग का ओयोंग मोयोंग का जब उनको शूट किया था तो एग्जैक्टली वो शूट करने के बाद वो जहाँ मरा है उसमें भी हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है द सिले तक आदू द सिले तम नो कासाक तो का हाँ का दूँ दे पर दून मोल बारियल ग्राउंड मोल मोल ही इकोलॉजिकल पार्क ग्रीन पार्क पर मनला मोल
Bukamun Lobum Yukodegum, Molhi Hakadum, Ecological Park at the market. Heart of Market Lok Mol Mabitu, so that money Buk Mol Martyr Amun Apokadopa, Mol Buk Lagapa Mol Degum from Lavitu. You all allow book construction in Iman Kapila Mol Buk Barrial, Buk Yukodegum of Tapi Yam with the Idolgum, Mol Al Imanam the Mol Green Park, but declared Dola, Buk Yukodegum or Campo Idokula. गाइस अभी फिलहाल हम आ ही गया ग्रीन पार्क पे जो फसीहत का मार्केट का मेन सेंटर में है। आप लोग यहाँ में नज़ारा देख सकते हैं, पूरा घास वास हो गया और यहाँ में दफनाए गए बोलते हैं श्री लेट ओन्योक मोयोंग का बदन को। अभी अभी अपसू का प्रेसिडेंट जो मेरा एक भैया है वो ही बताया कि आपको हमें जाने से एक पत्थर मिलेगा, बोले वहाँ में उसका बदन को दफना है बोलता है, इसीलिए हम आ ही गए। अभी देखो आप लोग हमें देख सकते हैं ये पत्थर है, आखिर का हम ढूंढ ही लिया, पूरा घास फूस है लेकिन कोई बात नहीं, ये है ये पत्थर का नीचे में उसका बदन। गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं वहाँ में सिले की ओर। वहाँ में अभी उसका एक जगह बना है बोलता है जहाँ में उसको सूट किए बोलता है, तो वहाँ में चलते हैं बिना किसी देरी के, चलो हम दिखाएगा। अभी हम आई गया सिले में, ये जगह में ये दिख रहा है, यहाँ में उसको जो हम लोग का लेट ओन्योक मोयोंग उसको यहाँ में शूट किया गया था, देख सकते हैं आप लोग यहाँ में। अपसू का जो प्रेसिडेंट था वो भैया बता रहा था कि इसको भी वो रिकन्स्ट्रक्शन करे होता है, आई होप जल्दी करने से ठीक है क्योंकि आदमी लोग भी दिखेगा। तो और ये मेरा मामा है, हम इनका ट्यूबर का मामा हूँ। तो आज इससे मुलाकात हुआ है, हाँ, कि आज इनका लेट ओन्योक मोयोंग का जहाँ जिस दिन स्पॉट यहाँ कुछ घटना हुआ था इस जगह को देखने आया था, तो सिर्फ उतना ही कहानी तो नहीं जानता है हम, सिर्फ कई बाहर डिस्ट्रिक्ट में था हम, फिर भी इस जगह को हम जानता है, तो इसीलिए इनको दिखाने आया है यहाँ। चैनल है ना, हाँ हाय, थैंक यू थैंक यू। अभी हम लोग जाएगा घर की ओर। फिलहाल अभी हमें पहले कुछ लिखा था होते उसके बारे में, लेकिन अभी कुछ नाम दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट भी कीजिए। और ये आप पीछे देख रहे हैं ना, ये देखो ये डांगरिया मंदिर जो रानीगढ़ के सामने में, और उसके जस्ट बगल से एक कच्चा रोड जाता है, ये देखो पीछे मेरा पीछे देख सकते हो आप लोग, यहाँ से जाने से मिल जाएगा आप लोग को जहाँ में लेट ओन्योक मोयोंग को सूट किया गया है। सभी जो फासीगढ़ में उसके लिए तो और भी अच्छा होगा, जो बाहर में उसके लिए भी देखने आ जाओ।